देखिए प्रोबेबिलिटी के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अक्सर प्रोबेबिलिटी की जब भी बात आती है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बायस बायोस्थेरम या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चंस में अक्सर प्रॉब्लम आती है मैं आपको इसकी बहुत सिंपल अप्रोच बताऊंगा आप मुश्किल से 10 20 सेकंड में क्वेश्चंस कर पाएंगे जैसे देखिए ये क्या बोला है इस क्वेश्चन को समझिएगा टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर इफ द नंबर अपेयरिंग ऑन द टू डाइज आर डिफरेंट देन वॉट इज द पार्टी दैट सम इज सिक्स बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता देता हूं अगर आपने थोड़ी सी बात ध्यान रखी तो आपसे हर क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा कि प्रोबेबिलिटी का देखिए तो ये होता है पर अगर आप इस फॉर्मूले के साथ करोगे तो काफी ऑफ एलिमेंट ऑफ बी तो जैसे अगर यहां पर बोला है टू डाइज आर थ्रोन टूगेदर इफ द नंबर अपेयरिंग ऑन द टू डाइज आर डिफरेंट यानी डिफरेंट नंबर हो यानी एक पर वन तो एक पर टू या वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स पर क्या नहीं होना चाहिए वन वन नहीं होना चाहिए तो अगर हम डिफरेंट नंबर के केसेस की बात करें तो टोटल फाइव इंटू फाइव थर्टी हो जाएगा क्योंकि ये केस ऐसे हैं जिनके नंबर सेम होते हैं अब ये बोल दिया है अपेयरिंग ऑन द टू डाइज आर डिफरेंट वॉट इज अटी दैट सम इज सिक्स अब सम कब आएगा देखिए वन फाइव हो टू फोर हो थ्री थ्री ये तो लेना ही नहीं है और फोर टू हो और फाइव वन हो यानी नंबर सिक्स आने के टोटल वन टू थ्री फोर फोर केसेस हैं तो आप सिंपली लिखोगे फोर बाय थर्टी मतलब टू बाय फिफ्टीन दिस इज द राइट आंसर बेस्ट टेक्निक है कंडीशन समझो और फाइंड क्या करना वो समझो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा राइट नोट कर लीजिए क्वेश्चन